पानी भिजवा दे आगे एक बार। हेलो दोस्तों, मैं संदीप तोमर स्वागत करता हूं आपका केडी कैंपस जयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो अमन गुड इवनिंग, नेहा सैनी गुड इवनिंग, अमित अलोन एस के गुड, यादव गर्ल दिलखुश, अमित सिंह, सभी का स्वागत है। दोस्तों एक बार सारे दोस्त क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चे क्लास से जुड़ जाए। पिछले 4-5 दिन से क्लास नहीं हो पाई थी। चलो एक बार कमेंट करके बताइए कि आवाज़ क्लियर है, क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो? पहले वाली प्रॉब्लम तो नहीं है ना? पवन गुज्जर गुड इवनिंग। हाँ भाई एक बार कमेंट करके बताइए। दीपू सिंह गुड इवनिंग, गुड इवनिंग जस, एक बार कमेंट करके बताइए कि आप मेरी आवाज़ क्लियर है, आप सब मुझे सुन पा रहे हैं? आप सब मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल क्लियर है। ओके शाबाश बेटा, सही है। ओके सारण गुड इवनिंग, अमन सही चल रहा है। ओके बेटा चलो, आज हमारी नेक्स्ट क्लास है, परसेंटेज की क्लास है। लास्ट क्लास में हमारे वॉइस की प्रॉब्लम होने की वजह से हमें वो क्लास बंद करनी पड़ी थी बीच। ओके शुरुआत करते हैं वहीं से। एक बार कमेंट लगा दो साहिल। देखो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन ये है बेटा, पहले बात समझना, आज के जो क्वेश्चन है वो सक्सेसिव पर डिपेंड है। परसेंटेज में सक्सेसिव को रेशो मेथड से कैसे सोल्व किया जाता है, इस बात पर हम थोड़ा सा फोकस करेंगे, ठीक है। रेशो के साथ साथ में चीज़ों को दूसरे तरीके से भी ले जाया जा सकता है, तो आप समझना कैसे क्वेश्चन को करेंगे। बोला है किसी संख्या को पहले 15% बढ़ाया जाता है, फिर 15% घटाया जाता है और इसका परिणाम 782 आता है। यदि उसी संख्या को पहले 25% घटाया जाता और फिर 25% बढ़ाया जाता और फिर 20% घटाया जाता तो परिणाम क्या होता, ये बेटा आपसे पूछा है, ये आपसे पूछ रहा है। तो आइए एक बार इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। इंग्लिश में भी पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है इफ ए नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 15% देन रिड्यूस्ड बाय 15% इट्स रिजल्ट 784। If the same number is first reduced by 25%, then increased by 25% and again reduced by 20%, that what will be the resulting number? देखो बेटा ये SSC CHSL वो CGL 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, आप सभी देख पा रहे हैं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, सभी एक बार जुड़ जाइए। चलो ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखो सक्सेसिव में पहला हमारा काम क्या है, हमें वो नंबर पता करना कि जिसके बारे में बात कर रहा है। हमें पता है कि पहले नंबर को 15% बढ़ाया गया और फिर 15% घटाया गया और इससे परिणाम जो आया वो आया 782। तो ये बात सब बच्चों को पता है कि जो 15% है उस 15% की जो फ्रैक्शन होती है वो 15% की फ्रैक्शन होती है 3/20 ना होती है बेटा, 3/20। और ये सब जानते हैं अगर 15% किसी नंबर को बढ़ाया जाएगा तो वो पहले तो 20 से 23 हो जाएगा, 3 जुड़ जाएगा
और जब 15% घटाया जाएगा तो दोबारा वो 20 से 17 हो जाएगा। अगर ये सक्सेसिव है तो हम इसमें रेशो की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब हम रेशो की मल्टीप्लाई करोगे, सर ये ओरिजिनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा था और ये नए नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा था बेटा, किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? नए नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा था दोस्तों। अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करूंगा तो आप बोलोगे सर ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आएगा और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 391। और यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो नंबर है वो हो जाता है 782। कितना हो जाता है? 782। तो मैं देख रहा हूँ इस 391 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये 782 हो जाए। यस, बात क्लियर है? तो इसी प्रकार से अगर मैं आपसे पूछूं ओरिजिनल नंबर कितना है तो आप बोलोगे सर यहाँ पे भी हम कितने से मल्टीप्लाई कर देते हैं? 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो नंबर है 800 जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये बात क्लियर हुई? हमने बताया कि वो नंबर 800 है जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये बात उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों की क्लियर हो चुकी। हाँ बेटा, गुड इवनिंग शिवानी, गुड इवनिंग अलाक्षी, गुड इवनिंग राज किरण, बिश्नोई, गुड इवनिंग राज चौधरी, सभी को गुड इवनिंग दोस्त। ठीक है, तो हमने क्या किया, ध्यान से बात समझना। हमने पहले वो नंबर निकाल लिया जिस संख्या की हम बात कर रहे थे, बोला ना यदि किसी संख्या को पहले, तो हमें पता चल गया वो संख्या कितनी है, 800। अब बोल रहा है कि यदि उसी संख्या को पहले 25% बढ़ाया जाता, फिर 25% सॉरी पहले 25% घटाया जाता, फिर 25% बढ़ाया जाता और फिर से उसको 20% घटा जाता, यानी कि अब की बार सक्सेसिव कितनी बार लगाया है? 3 बार लगाया। तो बेटा आप मुझे सबसे पहले ये बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं 25% की फ्रैक्शन क्या है तो आपका जवाब आएगा 25% की फ्रैक्शन है 1/4। कितनी है? 1/4। तो सबको पता है अगर किसी नंबर को 25% घटाया जाएगा तो वो नंबर आपका 4 से कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 4 से 3 हो जाएगा वो नंबर। दोबारा 25% बढ़ाया जाएगा तो 4 से 1 बढ़ के 5 हो जाएगा। 4 से कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। लेकिन तीसरी बार उसको 20% घटा दिया जाएगा और 20% की फ्रैक्शन आप सबको पता है कि ये 1/5 होती है। तो अब आप बोलोगे सर इस नंबर को 5 से 4 कर दिया गया। अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा लेफ्ट वाले रेशो की और राइट वाले रेशो की, तो मैं देख रहा हूँगा यहाँ पर 5 से 5 कट जाएगा और यहाँ पर 4 से 4 कट जाएगा। तो हमारा जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा 4 से 3, यानी कि इन तीन चेंजेज के बाद में, इन तीन चेंजेज के बाद में जो ओरिजिनल नंबर है वो नया नंबर बन के आएगा। कितना? 3। कितना बन के आएगा? 3। और ये बात सभी को पता है कि 4 का मान 800 है। 4 का मान 800 है क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ पे 800 आया था। कितने गुना है बेटा ये? 200 गुना। तो 3 का मान भी 200 गुना होगा और 3 का मान 200 गुना होगा, क्या आएगा बेटा आपका? आई बात समझ में? यस या नो? तो यानी कि एक क्वेश्चन में ही 2 क्वेश्चन एक साथ दे रखे थे। क्वेश्चन कोई टफ नहीं था, क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल था बट था आसान। यस, चलो बेटा उतारो जल्दी क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो फटाफट, क्वेश्चन का स्क्रीन शॉट लो। हाँ सारण स्टाइल बोल रहे हैं 600। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। आज आवाज की वैसे कोई दिक्कत नहीं है ना सर? बाकी सब्जेक्ट की क्लास कब से स्टार्ट होगी बेटा? बस कुछ ही टाइम दो, कुछ ही टाइम में सारे सब्जेक्ट की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। आप बायोलॉजी की क्लास आप देख सकते हो कि बायोलॉजी की डेली क्लास आती है। आप इसके बाद शाम को एक मैथ की क्लास तो आएगी ही रेगुलर लाइव, के साथ साथ में एक आधे घंटे की या 40 मिनट एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर एक क्लास आया करेगी। ठीक है अनिल बिश्नोई, गुड इवनिंग। क्लास को शेयर करो बेटा सबसे ज्यादा, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से। क्वेश्चन है कि एक शहर की आबादी पहले वर्ष के अंत में 5% बढ़ जाती है और दूसरे वर्ष के अंत में 4% कम हो जाती है। एक शहर की आबादी पहले वर्ष के अंत में 5% बढ़ जाती है और दूसरे वर्ष के अंत में कितनी घट जाती है? 4% घट जाती है। यदि दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या 55,12,248 हो जाती है, दूसरे
दूसरे वर्ष के अंत में 55,12,248 हो जाती है। तो बताइए पहले वर्ष की शुरुआत में जनसंख्या क्या थी। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन हैज इंक्रीज बाई 5% एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर एंड डिक्रीज बाई 4% एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। इफ द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर वाज 15,12,248 देन द पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर वाज। देखो बेटा ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे आपसे बोलूँ कि ये 5% की फ्रैक्शन क्या है, तो आप सभी बच्चे बोलोगे सर 5% की जो फ्रैक्शन होती है वो होती है 1/20। और यहाँ पर 5% को बढ़ने की बात हो रही है, तो आप बोलोगे इसका मतलब है उस गांव की जनसंख्या इस 5% बढ़ने के बाद में अगर स्टार्टिंग में 20 थी उसकी जनसंख्या हो गई होगी। अगर गांव की ओरिजिनल जनसंख्या प्रारंभ में 20 थी, नई जनसंख्या एक साल के बाद में 20% वो 5% चेंज होने के बढ़ने के बाद में कितनी होगी, होगी 20 से। फिर बोल रहा है दूसरे वर्ष के अंत में 4% की कमी हो जाती है और 4% की फ्रैक्शन होती है बेटा, 4% की फ्रैक्शन होती है आपकी 1/25। तो आप यहाँ से ये बात बोल सकते हैं कि दूसरे साल में 25 से जनसंख्या एक कमी हुई तो कितनी होगी, 24 हो गई। अब मैं यहाँ पे दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करता हूँ और मल्टीप्लाई करते टाइम कुछ अगर कॉमन है तो काट देता हूँ। देखो अगर मैं इसको 2 से भाग दूं तो 10 बार जाएगा और इसको 2 से भाग दूं कितना बार जाएगा, 12 बार। 2 से भाग दूं 10 बार जाएगा और 2 से भाग दूं 12 बार जाएगा। और यहां पर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, अगर ओरिजिनल जनसंख्या 250 थी, अगर ओरिजिनल जनसंख्या 250 थी तो आप 12 की 21 में गुणा कर सकते हो, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 25, 52 हो जाएगी बेटा, 252 कितनी हो जाएगी, 252। अब बड़े ध्यान से एक बात समझना, क्या यहाँ पर हम बोल सकते हैं ये 252 रेशो का मान है कितना, 55,12,248। क्या 252 रेशो का मान कितना है, 55,12,248। तो हम क्या करेंगे, ये 55,12,248 को 55,12,248 को भाग देंगे 252 से, भाग किससे देंगे, 252 से, और हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे कितना, 250 से। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 250। अब देखो बेटा यहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ें लगा सकते हैं, यहाँ पर हम डिजिटल सम लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं बेटा, यहाँ पर हम डिजिटल सम लगा सकते हैं और यहाँ पर हम एक बेसिक सी कैलकुलेशन को यूज करके भी अपना आंसर बता सकते हैं। सुनना ध्यान से, हमने क्या किया, मैंने क्या किया वो बात समझना बेटा। मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि अगर ये 250 के मल्टीपल में आएगा, आप बोलोगे हाँ सर 250 के मल्टीपल में आएगा, और 250 के मल्टीपल में कोई नंबर तभी आ सकता है जब उसके लास्ट में या तो 250 हो या उसके लास्ट में 750 हो, 500 हो, यस या नो, कितना हो बेटा, 500 हो या बेटा 750 हो या उसके लास्ट में कितनी जीरो हो, 3 जीरो। तो मैंने देखा आपके पास एक ही ऑप्शन ऐसा था, ऑप्शन नंबर सी के लास्ट में आपको क्या मिल रहा था, 500 मिल रहा था, बाकी के भी लास्ट में मिल रहा था। तो यहाँ पर हम कैलकुलेशन ना करके सीधा सीधा अपना आंसर बता सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर है। ये बात समझ में, जो मैंने अभी अभी बताई कि हमने देखा कि 250 का डायरेक्ट मल्टीपल होगा क्योंकि पॉइंट में तो है नहीं और सब में जीरो भी है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने 250 का मल्टीपल देखा और हमने देखा कि लास्ट की डिजिट 501 में ही है, तो यही हमारा क्या होगा बेटा आंसर। बताओ बात समझ में आई क्या, यस या नो, हाँ भाई बात समझ में आई, ओके। दीपू मीना, पवन गुज्जर सी बोल, या सैनी सी बोल रहे हैं, पन्ना सतवीर, राम राम बेटा, राम राम। चलो एक बात और ध्यान रखना बेटा, अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप ये मैथ्स विद संदीप तोमर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, आपको यहाँ पे ये PDF मिल जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक शहर की जनसंख्या प्रथम वर्ष में 16 से 2/3% की वृद्धि होती,
दूसरे वर्ष में 37.5% की कमी होती और तीसरे वर्ष में 57.5% वृद्धि होती। यदि फिर वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करो, यदि 3 वर्ष के बाद जनसंख्या है 237,600, कितनी है 237,600, पहले साल में वृद्धि हुई, दूसरे साल में भी क्या हुई कमी हुई और तीसरे साल में वृद्धि। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज इंक्रीज बाई 16 to 3% इन फर्स्ट ईयर बट डिक्रीज बाई 37.5 इन सेकेंड ईयर, इंक्रीज बाई 15.7% इन थर्ड ईयर, देन फाइंड द परसेंटेज, देन फाइंड द प्रेजेंट पॉपुलेशन इफ आफ्टर 3 ईयर द पॉपुलेशन विल बिकम 237,600। सर आपकी वजह से मॉक टेस्ट में टॉप किया है अजय गुज्जर बेटा, शाबाश, बधाई हो। देखो मॉक टेस्ट में केडी कैंपस में नहीं टॉप करना, अपनी क्लास में नहीं टॉप करना, हमें जयपुर में टॉप करना है और फिर आगे इंडिया लेवल में टॉप करना है, तो हमें बेटा रुकना नहीं है, बस मेहनत करते रहना, ठीक है। ये आपके लिए एक मोटिवेशन हो सकता है, आप इस मोटिवेशन को लगातार जारी रखना। चलो बेटा ध्यान से देखना, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपका सबसे पहला काम होना चाहिए कि आप इन परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर पाओ, क्योंकि अगर आप इन परसेंटेज को फ्रैक्शन में नहीं कन्वर्ट कर पाओगे तो आप रेशो नहीं बना पाओगे, और रेशो नहीं बना पाओगे तो इन परसेंटेज की हेल्प से विदाउट रेशो तो क्वेश्चन सोल्व होने से रहा। तो हमारा पहला काम है कि हम इसको परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। मैं बारी बारी एक एक परसेंटेज को साथ के साथ फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहा हूँ। 16 to 3% और 16 to 3% की जो फ्रैक्शन होती है वो बटा 6, कितनी होती है बेटा 1/6। अब ये जो है ना, ये वृद्धि हुई तो आपने बोला सर गांव की जनसंख्या 6 से 7 हो गई, और ये स्टार्टिंग में थी, ये ओरिजिनल जनसंख्या थी और ये बेटा नई जनसंख्या कहलाएगी। बात समझ में आ रही है, ये क्या कहलाएगी, नई जनसंख्या कहलाएगी। अब दूसरे वर्ष में 37.5% है और जिसकी फ्रैक्शन होती है 37.5% की 3/8, कितनी बेटा 3/8, और 37.5% की क्या हो गई है, 37.5% की हुई है कमी, और कमी हुई है तो इसका मतलब ये जनसंख्या 8 से 3 कम होकर 5 हो गई है भाई, 8 से 3 कम होकर कितनी हो गई 5 हो गई, ओके। उसके बाद में मैंने देखा लास्ट परसेंटेज है 57.7%, और यहाँ पर क्या हुआ वृद्धि हुई और इसकी फ्रैक्शन होती है 4/7, तो वृद्धि होगी जो जुड़ेगा तो 7 में 4 जुड़ गए तो 7 से 3 हो गई बेटा 11, कितनी हो गई 11। तो मैंने देखा अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि ये 7 इस 7 को काट देगा, और ओरिजिनल अगर गांव की जनसंख्या रेशो में 48 थी तो अब वर्तमान में 3 साल बाद 55 हो जाएगी, अब वर्तमान में 3 साल बाद 55 हो जाएगी, और 3 साल बाद 55 हो जाएगी, और इस 55 का मान ही हमें दिया हुआ है कितना 237,600। तो ये 237,600 को हम सबसे पहले 55 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये 55 रेशो का मान है, क्या मान है बेटा 55 रेशो का मान है, और हम मल्टीप्लाई करेंगे 48 से, कितने से 48 से। पहला काम होगा हमारा डिवाइड करना, अगर मैं इसको 11 से डिवाइड करूं ये 5 आएगा, और इसको 11 से डिवाइड करूं 11 × 2 = 22, 11 × 11, और यहाँ पे क्या आएगा बेटा आपका 11 × 6 = 6, क्या आएगा 21,600। अगर मैं इसको 5 से वापस डिवाइड करूं 5 × 20 है ना, 5 × 20 5 × 15 और 5 × 2 = 10, ये आएगा 4,300। तो 4,320 में अगर मैं 48 की मल्टीप्लाई करूं, थोड़ा सा मल्टीप्लाई मत करो, या तो डिजिटल सम देख लो या फिर आप देख लो यूनिट डिजिट। अब ये कंफर्म है कि यूनिट डिजिट 0 होगी, 0 सब में है,
लेकिन 48 की जब 2 में गुणा करोगे तो 8 की जब 2 में गुणा करोगे तो इकाई अंक कितना आएगा? 6 आएगा। इकाई अंक कितना आएगा बेटा? 6 इकाई अंक आएगा। अगर 6 इकाई अंक आएगा तो 6 ए की इकाई अंक वो कितना है? 2,07,360। कितना? 2,07,360। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। किस किस ने बताया था? नेहा सैनी ने बताया था, दीपू बताया था, अमनदीप बताया था, अजय, परवीन, अमित, एमएस शेखावत, बाकी बच्चे शायद क्वेश्चन सोल्व कर नहीं। अच्छा, नवीन ने भी बताया, कोई बात नहीं, शाबाश बेटा। जिनका आंसर आया बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं आया तो बड़े ध्यान से चीज़ों को समझो, बड़े ध्यान से चीज़ों को समझो। अगर आप इस परसेंटेज की कंप्लीट जो सीरीज की चल रही है, इसमें परसेंटेज की कंप्लीट सीरीज को आप पढ़ लेते हो, मैं आपको गारंटी देता हूँ आपका एसएससी सीजीएल प्री हो या मेंस या आपका कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो, इससे बाहर या इस पैटर्न से बाहर क्वेश्चन आपके नहीं। हेलो, यहाँ तक की बात समझ में आई? आई 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 है ना, आ गई समझ में सबके? अगर समझ में आ गई तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सा? ये भी बेटा आपका सक्सेसिव कही है, सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज। समझ पाना पा रहे हो सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज? देखो क्या है, द रेड ब्लड सेल्स इन ए ब्लड सैंपल ग्रो बाय 10% पर आवर इन फर्स्ट 2 आवर। इस बात को समझना बेटा, 10% पर आवर फर्स्ट 2 आवर, यानी कि पहले 2 घंटे में 10% की दर से बढ़ती है। डिक्रीज बाय 10% इन नेक्स्ट 1 आवर, अगले 1 घंटे में 10% घटती है। रिमेन कॉन्स्टेंट तीसरे घंटे, चौथे घंटे में क्या रहती है बेटा? कॉन्स्टेंट रहती है, कोई चेंजेज नहीं आता इन नेक्स्ट 1 ईयर 1 आवर। एंड अगेन इंक्रीज बाय 5% पर आवर इन नेक्स्ट 2 आवर्स इफ द ओरिजिनल काउंट ऑफ द रेड ब्लड सेल्स इन द सैंपल इज 40,000, देन फाइंड द अप्रोक्सीमेट रेड ब्लड सेल्स काउंट द एंड ऑफ 6 आवर। देखो बेटा कितने घंटों की बात हो रही है, बोल रहा है 6 घंटों की बात बता रहा है। कितने घंटों की? 6 घंटों की। आप देख सकते हो यहाँ पर आपके फर्स्ट 2 आवर ये रहे, आपके फर्स्ट 2 आवर में ये रहा, उसके बाद में नेक्स्ट 1 आवर ये रहा, उसके बाद में नेक्स्ट 1 आवर ये रहा, उसके बाद में बेटा नेक्स्ट 2 आवर ये रहे। कितने हो गए टोटल? 6 घंटे हो गए। कितने घंटे हो गए? 6 घंटे। 6 घंटे में रेड ब्लड सेल्स में चेंजेज आया। टॉप करेंगे सर बेटा, शाबाश सर। ये सीट बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ बेटा, ये सीट नहीं, ये सारे की सारी क्लास इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन है मैंने बहुत छांट छांट के बनाए हैं, इसमें प्रीवियस ईयर जैसे भी क्वेश्चन है और ऐसे भी क्वेश्चन है जो इन फ्यूचर में क्वेश्चन एसएससी सीजीएल पूछ सकता है ना। ये जो जिन क्वेश्चन पे ईयर नहीं पढ़ा ना, मैं आपको बता दूं, सिर्फ 2023 में आए हुए क्वेश्चन पे ईयर पढ़ा है, 2022 में आए हुए क्वेश्चन पे ईयर पढ़ा है, जो उससे पहले आए हुए हैं उनमें कोई भी ईयर नहीं पढ़ा हुआ। ये एक्चुअल में 2021 का क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो पहले 2 घंटे में 10% की दर से बढ़ती है, और सारे बच्चों को पता है कि 10% की दर से बढ़ने का मतलब क्या होता है। तो आप बोलोगे पहले घंटे हुई 10 से 11। इसी प्रकार से अगर मैं बोलूँ दूसरे घंटे क्या हुआ, तो सर दूसरे घंटे भी 10% बढ़ी तो 10 से 11 हो गई। ये बात सबके समझ में आ गई कि 10 से 11 पहले घंटे में और 10 से 11 दूसरे घंटे में, 2 घंटे में हो गई बेटा ये चेंज। बोल रहा है अगले घंटे में 10% कम हो गई, और सबको पता है 10% कम होने का मतलब 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। तो आप बोलोगे 10% कम हुई तो इसका मतलब अब की बार 10 से 9 हो गई, और अगले घंटे में बेटा स्थिर रहती है, स्थिर मतलब नो चेंज, जो थी सेम रहेगी। ए थी तो ए रहेगी, एक्स थी तो एक्स रहेगी, वाई थी तो वाई रहेगी। तो ये आपके 4 घंटे हो गए। फिर बोल रहा है फिर अगले 2 घंटे, अगले कितने घंटे? 2 घंटे में 5% की दर से बढ़ती है, तो 5% की दर से बढ़ने का मतलब है अब की बार 20 से 21 होगी। 20 से कितनी होगी? 21 होगी। और यहाँ पर भी मैं बोल सकता हूँ नेक्स्ट आवर भी 20 से 21। टोटल कितने घंटे हो गए? 6 घंटे, जिसमें से 1 घंटा क्या थी? स्थिर थी।
अगर मैं यहाँ पर इनकी मल्टीप्लाई करूँ, आप देखना यहाँ पर दो दुनी कॉमन तो कुछ भी नहीं है, कटेगा नहीं, दो दुनी चार, और यहाँ पे कितनी जीरो, एक दो तीन चार पाँच, पाँच जीरो, कितनी जीरो हो गई, पाँच जीरो। अब आप इनकी गुणा करके बताओ। तो सबसे पहले मैं बोलना चाहता हूँ कि हम इनकी गुणा करेंगे और दोनों की गुणा करेंगे, 441 आएगा, कितना आएगा 441, और 441 में मैं 9 की गुणा करूँगा, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 चौक 36, और 9 चौक 36 और 4 40, ये आएगा 4060, कितना आया 4069। ओके, अब बेटा अगर मैं इसमें 11 की गुणा करूँगा, अगर मैं इसमें 11 की गुणा करूँगा, तो जब हम 11 की गुणा करेंगे सबसे पहले ये 9 लिखेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, 9 6 15 का 5 का आया, 6 में 0 जोड़ देंगे, 6 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब यहाँ पर 0 में 4 जोड़ देंगे, 4 आ जाएगा, और वापस अगेन हम किससे गुणा करेंगे, अगेन हम गुणा करेंगे किससे बेटा, अगेन गुणा करेंगे हम वापस 11 से, और अगर इसमें वापस 11 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 9, 9 में 5 जोड़ेंगे तो 4, 7 में 5 जोड़ेंगे 2, 7 4 कितना आएगा बेटा 11, यस या नो, हमने कहीं गलत तो नहीं किया। हाँ गलत कर दिया शायद, है ना, तो दोबारा कर लो, 9 एकम 9, 9 चौक 36, और जेड बेटा 9 चौक 36, 4 36, 3 40, ये गलती कर दी थी, 3 9 6 9। अब देखो इसमें हम कितने से गुणा करेंगे, 11 से, तो वाले 11 से, तो ये आएगा पहले 9, 9 6 15 का 5 का, 9 6 15 और 1 16, डन है बात। अब बेटा 9 3 12, 12 और 1 13 और 1, अगर मैं वापस 9 से गुणा करूँगा तो ये आएगा 11 से, ये आएगा 9, 9 5 14, 6 5 11 और 1 12, 6 3 9 और 1 10, 4 3 7 और 1 8, और ये कितना 4, यानी कि ये जो कैलकुलेशन आई, ये हमारी कैलकुलेशन आई 480249, यस क्या नो, मैं इसको मिटा देता हूँ, कितनी आई 480249। लेकिन आप एक बात बताओ बेटा, यहाँ पर जो हमारा टोटल ब्लड सेल्स बताई है 40,000 बताई है, और ये बात आपको सबको पता है, अगर मैं इसको 10 से भाग दूंगा, 10 से भाग दूंगा तो 40,000 आएगी, कितनी आएगी 40,000। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे भी 10 से भाग दे सकता हूँ, और जैसे ही मैं 10 से भाग दूंगा, आप सबको पता है 10 से भाग देने का मतलब एक स्थान पे दशमलव आ जाएगी, 480249.9। लेकिन आपसे बेटा एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछी, आपसे अप्रोक्सीमेट पूछी है, तो इसको अप्रोक्सीमेट में मैं लिख सकता हूँ 4805, 48025, कितना बेटा 48025, दैट इज योर आंसर नंबर, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। बताओ बेटा समझ में आया, यस या नो, बातें क्लियर है। ओके बेटा, सर आप रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं, हाँ बताइए बेटा क्या रिप्लाई कर रहे हैं, विश चौधरी बोल रहे हैं, क्या पढ़ाता है सर, बेटा क्रिस थोड़ा सा आप थोड़ा लिखना अच्छे से सीख, कोई बात नहीं बेटा, मैं परसेंटेज पढ़ा रहा हूँ, और परसेंटेज अर्थमेटिक का एक पार्ट है, और ये एसएससी सीजीएल सीएचएसएल या सीपीओ या एमटीएस या आपका एसएससी जीडी या स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम के लिए है। ओके चलो बेटा, उम्मीद करता हूँ सबके बात समझ में आई होगी। बेटा सारे बच्चे एक बार क्लास लाइक करो, सारे बच्चे
राज चौधरी, गुड इवनिंग, स्वागत है राज चौधरी का, है ना, स्वागत है राज चौधरी का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, ए मैन स्टार्टेड ऑफ ए बिजनेस विद ए सर्टेन कैपिटल ऑफ अमाउंट, इन फर्स्ट ईयर ही अर्न 60% प्रॉफिट एंड ही डोनेटेड 50% ऑफ द टोटल कैपिटल, इनिशियल अमाउंट एंड प्रॉफिट। ही फॉलोड द सेम विद द रिमेनिंग कैपिटल आफ्टर द सेकेंड एंड द थर्ड ईयर, द एंड ऑफ द 3 ईयर्स ही इज लेफ्ट विद रुपीज 15,360। वाट इज द इनिशियल अमाउंट इन रुपीज विद विच द मैन स्टार्टेड हिज बिजनेस। बोल रहा है बेटा, एक आदमी एक व्यापार शुरू करता है, जब वो व्यापार शुरू करता है वो आपकी तारीफ कर रहा है, वो मेरी तारीफ कर रहा है। क्या तारीफ थी बेटा, एक बार मैं दोबारा देख लेता हूँ। बेटा वो पता नहीं क्या था, कोई बात नहीं, वो भी था। चलो हम फोकस करते हैं अपने क्वेश्चन पे, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। देखो एसएससी सीजीएल 2022 में आया हुआ क्वेश्चन, और एक अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप इसको समझोगे तो बहुत लॉजिकली है, इजी भी है, लेकिन लैंग्वेज थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग। समझो क्वेश्चन को पहले ध्यान से। बोल रहा है, एक व्यक्ति ने एक निश्चित राशि के साथ व्यवसाय शुरू, पहले वर्ष में उसने 60% लाभ अर्जित किया और कुल राशि का 50% प्रारंभिक राशि तथा लाभ का दान में कर, यानी कि एक्चुअल में क्या हुआ, अगर मान लो एक आदमी ने 60% लाभ कमाया, यानी कि उसकी जो इन्वेस्टमेंट थी, अगर उसकी 60% लाभ का मतलब ये कर लेते हैं हम, 60% की फ्रैक्शन बना लेते हैं, और 60% की फ्रैक्शन हमने बनाई तो यही हमारी 3/5। जब 3/5 आई तो हमने देखा कि अगर आदमी की इन्वेस्टमेंट 3 थी, सॉरी इन्वेस्टमेंट 5 थी, यानी कि बिजनेस में जो उसने इन्वेस्ट किया 5 थी, तो उसका जो प्रॉफिट था वो बेटा 3, उसका प्रॉफिट था जो वो 3 था। अब उसके पास जो राशि है इन्वेस्टमेंट प्लस प्रॉफिट, वो राशि उसके पास है टोटल 8, ठीक है, टोटल 8। क्या ये बात आपके समझ में आई? एक आदमी ने अगर 5 रुपये इन्वेस्ट किए थे तो 60% प्रॉफिट हुआ था, और अब उसके पास इन्वेस्टमेंट है 8, और उसने क्या किया, उसने इस 8 का 50% दान कर दिया, उसके पास अब जो बचा वो 4 बचा, यस या नो? अब उसके पास जो शेष बचा वो 4 बचा, इसमें से उसने 4 दान कर दिया। क्या कर दिया बेटा? 4 उसने दान कर दिया, 4 उसने डोनेट कर दिया। तो हम यहाँ से ये बात बोल सकते हैं, सर अगर उसके पास इन्वेस्टमेंट 5 थी तो उसके पास कितना बचेगी? 4 बचेगी, और ये 1 साल के होगा, हर साल यही होने वाला है। सचिन मीना गुड इवनिंग। हर साल बेटा यही होने वाला है, यानी कि पहले साल अगर मैं आपसे बोलूँ, पहले साल क्या हुआ, उसने 5 इन्वेस्ट किए और दान देने के बाद प्रॉफिट कमाने के बाद उसके पास लास्ट में कितने बचे? 4 बचे। कितने बचे? 4 बचे। क्या नेक्स्ट ईयर भी यही होगा? आप बोलोगे हाँ सर नेक्स्ट ईयर भी यही होगा, 5 थे, स्टार्टिंग 5 से की होगी, बचेंगे कितने? नेक्स्ट ईयर भी स्टार्टिंग 5 से की होगी और बचेंगे, हाँ या ना? स्टार्टिंग कितने से की होगी? 5 से की होगी, बचेंगे। लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, अगर सेम रेशो फॉलो हो रहा है, अगर बार बार सेम रेशो फॉलो हो रहा है, तो जितना टाइम है उसके उतनी पावर कर दो। यानी कि यहाँ पर 1 साल का रेशो कितना है बेटा, ऐसा बोल सकता हूँ मैं, 1 साल का रेशो कितना है? तो आप बोलोगे सर 5 से 4 है, तो यहाँ पर हमारी 3 साल थी, तो 5 का क्यूब और 4 का क्यूब कर लेते। 5 का क्यूब मतलब 125, और 4 का क्यूब मतलब 100, 4 का क्यूब यानी कि अगर उसने 125 रुपये से बिजनेस स्टार्ट किया होता ना, अगर उसने 125 रुपये से बिजनेस स्टार्ट किया होता तो उसके पास आज के टाइम पे 64 रुपये बचते। कितने साल बाद? 3 साल बाद। कितने साल बाद बेटा? 3 साल बाद उसके पास मात्र 64 रुपये। अब ध्यान से देखो क्या बोल रहा है, कह
तीन वर्ष के अंत में उसके पास 15,360 रुपये है। कितना बेटा? 15,360 है। तो ये 15,360 है ना, ये 15,360 है, ये एक्चुअल में ऐसा बोल सकते हैं कि 64 रेशो का मान 15,360 है। अगर मैं 64 से 15,360 को भाग दूं तो बेटा ये 240 आएगा। कितना आएगा? 240 आएगा, 240 आएगा। अब 240 की गुणा किस में कर दो? 125 में कर दो, 125 में कर दो, और ये आपका आएगा बेटा 3,000, सॉरी 30,000। कितने हजार? 30,000। और यही आपका क्या होगा आंसर? अब कमेंट करके बताओ ये क्वेश्चन समझ में आया। फटाफट सारे बच्चे कमेंट करके बताओ ये क्वेश्चन समझ में आया। करके क्वेश्चन समझ में आया क्या आप सबके? आया? अमनदीप बोल रहे हैं आ गया। बाकी आवाज भी सही है ना अब तो? MS शेखावत यस, योगेश कुमार यस, तारण स्टाइल यस, यादव अमित यस, शाबाश शाबाश बेटा बहुत। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ये SSC CGL प्री 2023 में पूछा गया बेटा, SSC CGL प्री 2023 में पूछा गया है, और ये कब पूछा गया? 24 जुलाई में पूछा गया, थर्ड शिफ्ट। वॉइस ओके हैं? यस सर, आ गए, शाबाश। देखो ध्यान से बेटा, एक व्यक्ति अपनी आय का यहाँ पे पढ़ते हैं, ए पर्सन स्पेंड 25% 25% ऑफ हिज इनकम ऑन द गुड्स ऑफ डेली यूजेज। फर्दर मोर ही स्पेंड 18% ऑफ द रेस्ट ऑन हाउस रेंट एंड 16% ऑफ द रेस्ट ऑन ट्रेवल। आफ्टर दैट ओनली 806 लेफ्ट विद हिम, व्हाट इज द हिज सैलरी। देखो बेटा, आपके पास क्या सक्सेसिव का केस है, लेकिन यहाँ पे सक्सेसिव डिक्रीज है, तो आप रेशो बना दो, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। 25% उसने क्या किया बेटा? सबसे पहले बात समझना, लॉजिकली चीजों को। मैंने बोला आपसे कि ए पर्सन स्पेंड 25% ऑन हिज इनकम ऑन द गुड्स ऑफ डेली यूजेज। एक व्यक्ति ने 25% दैनिक यूज पर खर्च कर, तो आप मुझे बताओ अगर 25% उसने खर्च कर दिया, आप यही बोलोगे सर उसके पास उस कम थी, क्या थी कि इनकम थी, और इस इनकम के बाद हम शेष की बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं शेष की बात करें, शेष उसके पास रिमेनिंग, यस या नो? कितना बचा? रिमेनिंग कितना बचा हम इसकी बात कर रहे हैं। तो आपने बोला 25% उसने क्या कर दिया बेटा? दैनिक वस्तुओं पर खर्च कर दिया। का मतलब अगर उसके पास इनकम 4 थी, एक खर्च कर दिया, उसके पास बचा कितना? बात क्लियर है? कितना बचा? ओके। अब बोल रहा है कि अतिरिक्त वह शेष आय का 18% घर के किराए पर खर्च कर दिया, और 18% की जो फ्रैक्शन होगी बेटा, वो 18% की फ्रैक्शन होगी बेटा आपकी 5/9, सॉरी 9/, यानी कि अगर उसकी इनकम 50 थी, उसने 9 और खर्च कर दिए, तो अब उसके पास जो बचे वो बचे 40। कितने बचे बेटा? 1 बचे। डन है? फिर शेष आय का 16% यात्रा पे खर्च कर दिए, और यहाँ पे आप 16% की फिर फ्रैक्शन बना सकते हो, और 16% की फ्रैक्शन होती है 4/20।
तो आप फिर बोल सकते हो अगर अब इन दो खर्चों के बाद उसके पास 25 रुपये बचे थे ना, 25 में से 4 फिर खर्च करके बचे कितने, 21 बचे बेटा। तो यहाँ से हम इनकी गुणा करेंगे, यहाँ से हम इनकी गुणा करेंगे। पहले तो बेटा हम इनकी गुणा करके देखेंगे, कॉमन तो कुछ है नहीं काट पाएंगे। अगर हम इनकी गुणा करेंगे, 50 गुणा 4 200 और 200 गुणा 25 5,000, कितना आएगा बेटा, 5,000 आएगा, आया 5,000। और इधर हम गुणा करेंगे, ध्यान से देखना बेटा, इन दोनों की गुणा करोगे 123 आएगा, आएगा 123 आएगा। और जब 123 की 21 गुणा करेंगे, 21 क्या 63 का 3, 21 दूनी 42, 42 और 6 48। अब बेटा 21 और 21 से कम 21 और 4 25, 2583 कितना है बेटा, 2583 है बात, कितना है 2583। अब यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ अगर उसकी इनकम 5,000 थी तो उसके पास 2583 रुपये बचे, लेकिन यहाँ पे बेटा 2583 नहीं है, यहाँ पे 2583 नहीं है, उसके पास जो पैसे बचे वो बचे 861, बचे 861। मैं ये बात देख पा रहा हूँ अगर हम इसको भाग दे दे 3 तो ये 861 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 861, का मतलब 5,000 को भी हम 3 से अगर भाग दे दे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ये आएगा 1666.67, कितना बेटा 1666.67 हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन बेटा यहाँ पर एक ही ऑप्शन ऐसा है जो इसके आसपास है, वो है ऑप्शन नंबर, कितना है 1666, या ऐसा हो सकता है कि इसमें दशमलव वाली वैल्यू क्वेश्चन में ना दी हो, क्या बातें। हाँ फटाफट समझ में आ रही है चीजें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, ये भी क्वेश्चन एसएससी सीजीएल का है। रीमा अपनी मासिक आय का 35% खाद पर, पदार्थों पर और शेष आय का 15% कपड़ों पर खर्च करती है। रीमा ने क्या किया बेटा, 35% अपने खाद्य पदार्थ पर खर्च कर दिया, उसके बाद में शेष आय का 15% कपड़ों पर खर्च कर दिया, और वह शेष आय का 40% बचा लेती है। क्या कर लेती है, शेष आय का 40% बचा लेती है। यदि उसकी मासिक वेतन कितना है, 27,500 है, तो बताइए हर महीने उसकी बचत कितनी। तो बचत आपको क्या किया गया, पहले बात को समझना, रीमा ने पहले 35% खर्च किए, उसके बाद शेष के 15% खर्च किए, और जो बचे उस बचे हुए का 40% उसने बचा लिया, जो बचे उस बचे हुए का भी उसने क्या कर लिया, 40% उसने बचा लिया। तो यहां से मैं डायरेक्टली क्वेश्चन को ले जाऊं, अगर मैं इससे रिलेट करूं डायरेक्टली तो आप बोलोगे इजीली हो जाएगा, अगर मैं करना चाहूं तो ध्यान से बात को समझना। देखो अगर मैं आपसे बोला, ऐसे भी हम कर सकते हैं अगर थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो आपने बोला 27,500 अगर उसकी क्या थी, इनकम थी, 27,500 उसकी इनकम थी, तो उसने सबसे पहले 35% अपने किस पर खर्च कर दिए, खाद्य पदार्थों पर खर्च कर दिए, और 35% की जो फ्रैक्शन होती है ना, 35% 35% की जो फ्रैक्शन होती है, मैं थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ, ये होती है बेटा 7/20, कितनी होती है 7/20, कितनी होती है बेटा 7/20। अगर ये 7/20 होती है तो उसने 20 में से 7 खर्च कर दिए, तो आप बोलोगे सर 20 से भाग दे दो, 7 खर्च कर दिए तो बचे कितने 13, बचे कितने 13, हाँ या ना, डन है, 13 बचेंगे भाई, 20 है, 7 खर्च कर दिए 35%, तो बचेंगे कितने 13 बचेंगे। ओके उसने बोला जो शेष बचे उसका 15%, अब ये 15% को भी देखो भाई किस बला का नाम है, और 15% की फ्रैक्शन है 3/20, तो आप बोलोगे सर उसने 20 में से 3 फिर खर्च कर दिए, अगर 20 बचे थे 3 फिर खर्च कर दिए, तो उसके पास जो बचे वो बचे वापस 7, सॉरी 17, कितने बचे 17 बचे, किस में से 20 में से, ठीक है 20 में से कितने बचे बेटा 17 बचे, निकम्मो सुधर जाओ 17 बचे। ओके
अब बोल रहा है ये उसके पास बचे, ये दो खर्चे करने के बाद उसके पास बचे, और यहाँ पे इस लाइन को देखो, शेष आय का 40% वह बचाती है। तो इसका मतलब जो भी ये बची ना आए, इसका 40% बचाती है। तो अगर हम इसका 40% निकाल देंगे, और 40% की फ्रैक्शन होती है 2/5, तो हम उसकी बचत निकाल लेंगे। तो आपने बोला इसका 40% मतलब इसका 2/5। बस अब आपको कैलकुलेशन करना। अब कैलकुलेशन देखो कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। देखो पहले तो हम 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, यस या नो? आपने बोला यस सर, काट दिया। फिर हमने क्या किया, 1 2 से इस 2 को भी काट दिया, 5 से हमने इसको भाग दिया, तो ये आया 55। कितना आया बेटा? 55, यस या नो? कितना आया? 55। ओके, अब बचा क्या? 2। तो देखो बेटा आपके पास दो रास्ते हैं, आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप इनकी गुणा करो, 13 × 17 × 55/2 आप कर लोगे, 13 × 17 × 55/2, या फिर आप इनके डिजिटल सम को देखो। देखो अब मैं डिजिटल सम कैसे निकालना चाहूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं पहले इसको डिवाइड कर दूंगा 6.5। कितना? 6.5। अब मैं गुणा नहीं करना चाहता, मैं चेक करना चाहता हूँ कि डिजिटल सम क्या है। क्या डिजिटल सम से क्वेश्चन हो जा रहा है? देख लो आज करके एक बार। तो आपने बोला 5 5 10, और 9 से करोगे तो कितना? 1। यानी कि इन दोनों नंबर का डिजिटल सम आया 1। 6 5 11, और इनका डिजिटल सम आया 2, और यह आया 7 और 1 8, इनका डिजिटल सम आया 8। मैंने इन सबकी गुणा करी तो आया 16, और 16 का डिजिटल सम आया 7। अगर आपके किसी एक ऑप्शन में डिजिटल सम 7 है, तो मैं क्या बोल दूंगा, वही हमारा आंसर है, और दशमलव एक स्थान पे है। यस या नो? क्या है बेटा ये? डिजिटल सम। कभी कभी हम इसका यूज करेंगे डिजिटल। अब देखो यहाँ पर मैं आपसे बोलूँ, 6 3 9 7 5 12, और 12 में से बेटा 9 घटाओगे तो इसका नंबर का डिजिटल सम आएगा 3। यहाँ पे देखना, 7 5 12 और 6 18 और 7 2 9, तो इसका डिजिटल सम आएगा 9। यहाँ पे देखो आप, 7 5 12 और 6 18, इसका डिजिटल सम आएगा 1, और यहाँ पे देख लो 7 5 12 6 18, तो इसका डिजिटल सम आएगा 7। आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। हाँ बेटा, ऑप्शन नंबर डी। आप कैलकुलेशन भी कर सकते थे, आप कैलकुलेशन ऐसा कर सकते थे, पहले 55 13 और 17 की गुणा करके वापिस भाग देते 2 से, तो कौन सा आंसर आया? ऑप्शन नंबर डी। क्यों आया? क्योंकि इनके डिजिटल सम जो आए थे, पहले वाले का 3, दूसरे वाले का 9, इसका तो 3 आया, इसका बेटा 9 आया, यहाँ पर 1 आया, और यहाँ पर कितना आया? 7 आया। तो हमारे क्वेश्चन में डिजिटल सम कितना था? 7 था। डिजिट सम मतलब डिजिटल, डन है बात? ओके, शाबाश, बात क्लियर है? कमेंट करके बताओ फटाफट। सर परसेंटेज की टोटल कितने टाइप्स है? बेटा परसेंटेज एक्चुअल में टाइप्स नहीं है, परसेंटेज के जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में आए हैं उनसे बेसिस पर या उनके आधार पर बिना टाइप को करे हुए, बिना टाइप को किए हुए बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। तो लगभग अगर आप पर्टिकुलरली टाइप की बात करो तो जो मैं सीटें दूंगा आपको, 7 सीटें दूंगा, सो 7 पैटर्न में क्वेश्चन डिवाइड हो जाएंगे। टाइप से नहीं है, 7 पैटर्न में क्वेश्चन डिवाइड हो जाएंगे। जैसे ये एक पैटर्न चल रहा है, सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज का, डन है बात? हाँ, अवधेश्वर, बात क्लियर हुई? तो मैं बोल रहा हूँ टाइप से नहीं है, पैटर्न है, 7 पैटर्न के क्वेश्चन में सारे के सारी चीजें खत्म हो जाएगी। कारण स्थल पढ़ाते हैं, हाँ बेटा डिजिटल सर, आरिफ सर पढ़ाते हैं बेटा, सब पढ़ाते हैं, बस वही चीज़ें हैं कि इसका यूजेज करने में थोड़ा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो ये चीज़ें सीख जाओगे आप। शाबाश, ध्यान से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन है एक पिता, ये क्वेश्चन बेटा बहुत अच्छा है, पहले आप इस क्वेश्चन का आप आंसर बताओ, देखते हैं कौन बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। मैं वेट कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है,
और इस क्वेश्चन में मैं बोल रहा हूँ आपको कैलकुलेशन भी नहीं है, ना के बराबर कैलकुलेशन है। देखते हैं कौन बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा, बताओ बताओ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। मैं आपको बता दूं एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा गया है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, आप देख सकते हो थोड़ा बड़ा हो गया। बताओ बेटा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, फटाफट बताओ, करो रे करो, क्वेश्चन सोल्व करो, है ना। चलो बेटा फटाफट बताओ बताओ बताओ, नहीं आ रहा आंसर। एक्चुअल में क्या है ना, आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को नहीं समझ पा रहे हो। आंसर ना आने का एक ही रीजन है कि आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को नहीं समझ पा रहे हो। आप सोच रहे हो कि पूरा क्वेश्चन करने के बाद हम एक बार के में इसको समझ के सोल्व कर दे। नहीं बेटा, आप क्वेश्चन को ही नहीं समझ पा रहे हो। देखो ध्यान से, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपना पेन डाउन कर दो, पेन रोक दो और मुझे सुनना स्टार्ट करो, पेन को रोक दो और मुझे सुनना स्टार्ट करो। ध्यान से देखो बेटा, बोल रहा है एक पिता अपसन गेट्स 85% ऑफ टोटल अमाउंट, यानी कि जो वो 8% है ना, उसका 85% किसको मिलता है, बड़े वाले बेटे को मिल जाता है। इसका 85% जो टोटल अमाउंट है उसका 85% किसको मिल जाता है बेटा, बड़े वाले को, बेटे को मिल जाता है। अमाउंट टू गिवन बोथ सन्स, ही स्पेंड 90% ऑफ द अमाउंट। बेटा वो बोल रहे हैं कि ही स्पेंड 90% ऑफ द अमाउंट, जो बड़ा बेटा है उस अमाउंट का 90% क्या कर देता है, खर्च कर देता है एंड सेव 17% 17 रुपीज। अब कहानी यहां से देखो, आप मुझे बताओ, बड़े ध्यान से समझना, अगर उसने 90% खर्च कर दिए थे बड़े वाले ने, तो बचाए कितने थे, 10% बचाए होंगे, हाँ या ना। तो आपसे अगर मैं पूछूं बड़े बेटे का हिस्सा कितना है, है ना, बड़े बेटे का हिस्सा कितना है, तो आप बोलोगे सर बड़े बेटे का हिस्सा है 170। कितना है बेटा, 170। पहले मुझे इस बात को कंफर्मेशन कर दो, क्या बड़े बेटे का हिस्सा 170 है, बताओ सारे बच्चे एक बार जवाब दो, सोचो क्या बड़े बेटे का जो हिस्सा है वो 170 है, 170। क्यों, कि बड़े बेटा 17 रुपये बचाता था, बड़ा बेटा जो है बेटा वो 17 रुपये बचाता था, उसने 17 रुपये बचाए थे, लेकिन 17 रुपये कब बचाए थे, जब उसने 90% खर्च कर दिए थे। तो क्या 10% अगर 17 के बराबर है तो टोटल 90% कितने के, 100% कितने के बराबर हुआ, 170 के बराबर, हाँ या ना, किसके बराबर होगा बेटा, 170 के बराबर। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो उनको पॉकेट मनी मिली उसका 85% था, उसका 85% था किसके पास, बड़े बेटे के पास। तो यहां से मैं आपसे पूछना चाहूँ टोटल पॉकेट मनी कितनी है, जो टोटल पॉकेट मनी कितनी है, टोटल पॉकेट मनी मैं आपसे पूछना चाहूँ, तो आप बोलोगे 170, जो पॉकेट मनी का 85% था, और अब मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो जो टोटल पॉकेट मनी थी वो थी 200 रुपये। कितने रुपए थी बेटा, 200 रुपये उनकी टोटल पॉकेट मनी थी, हाँ या ना, क्या टोटल पॉकेट मनी 200 रुपये थी। और ये 200 रुपये कितने परसेंट के बराबर थे, 8% के बराबर थे। तो बेटा उसके पिता की मंथली इनकम, अगर आपसे मैं पूछूं मंथली इनकम कितनी थी, आप बोलोगे उस मंथली इनकम का 8% बच्चों को देता था,
वो 200 था जो दिया, 8 से भाग दे दोगे और 100 से गुणा कर दोगे तो आपका आंसर आएगा 2500 रुपये। कितने रुपए? 2500 रुपये। तो मंथली इनकम थी 2500 रुपये, ऑप्शन नंबर डी। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी बताए थे उनका आंसर सही था। बताओ बेटा, जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी बताए थे उनका आंसर सही था। एसएससी सीजीएल प्री का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन कब का है? 26 जुलाई 2023। तो सबसे पहले दोलूराम ने आंसर बताया डी, फिर योगेश ने बताया डी, अमनदीप ने बताया डी, बाकी बच्चों का आंसर नहीं आया। मात्र 3 बच्चों का आंसर आया जितने बच्चे लाए गए 25-26 में से। जाने बात। चलो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। इन्हें लाइब्रेरी में एक बार देख लेता हूँ, आज वाले पैटर्न में कितने क्वेश्चन बचेंगे। ये तो काफी बचेंगे, आज खत्म नहीं होगा। चलो कोई बात नहीं, जहां तक होगा वहां तक करते हैं। जाने बात। देखो, एक पुस्तकालय में इन्हें लाइब्रेरी 20% ऑफ बुक्स आर इन हिंदी, 50% ऑफ द रिमेनिंग बुक आर इन इंग्लिश, 30% ऑफ द रिमेनिंग बुक आर इन फ्रेंच एंड रेस्ट आर 6300। मैं आपसे एक बात बोलना चाह रहा हूँ बेटा, जहाँ आपको बार बार रिमेनिंग की बात आए, बार बार रिमेनिंग की बात आए, रिमेनिंग रिमेनिंग, और बेटा यहाँ पर भी रिमेनिंग कहाँ था? हाँ, रिमेनिंग जाना है बात। और रेस्ट रेस्ट बुक आर, रेस्ट का मतलब तो रिमेनिंग होगा 66300। जैसे आप यहाँ बोल सकते हो शेष का 50%, शेष का 30%, और बाकी बेटा कितनी कितनी बची? 6300। तो मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ, आप रेशो मत बनाना, रेशो बनाने से क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। लेकिन मैं बोल रहा हूँ आपको एक ही लाइन में क्वेश्चन को करने की कोशिश करना, जैसे हमने ये क्वेश्चन किया। देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन जो हमने किया था एक लाइन में खत्म करने की कोशिश की थी। तो इसी तरीके से आप कोशिश करना जब शेष शेष और शेष की बात। देखना ध्यान से। देखो, अगर एक पुस्तकालय में बी फोर बी नंबर ऑफ बुक्स है, कितने नंबर ऑफ बुक्स है? बी नंबर ऑफ बुक्स है, उसमें से 20% पुस्तकें हिंदी की है। अगर मैं बेटा इन हिंदी की पुस्तकों को हटा दूं तो शेष कितनी बचेगी? आप बोलोगे सर 20% की जो फ्रैक्शन है, मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, 20% की जो फ्रैक्शन है बेटा, आप बोलोगे सर 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, यानी कि टोटल बुक अगर 5 है तो 5 में से 1 मैं निकाल दूंगा तो शेष बचेगी 4, तो 4/5 डन है। कितनी है बेटा? 4/5। फिर बोल रहा है कि शेष का 50% अंग्रेजी में, अब ये शेष बची तो इनका 50% अंग्रेजी में है और 50% की जो फ्रैक्शन होगी वो होगी 1/2। अगर मैं इनको भी निकाल दूं तो जो शेष पुस्तकें बचेगी वो कितनी बचेगी? आप बोलोगे सर 2 थी, 1 और हटा दो तो कितनी बची? 1 बची। यस या नो? कितनी बची? 1। फिर बोल रहा है कि शेष का 30%, जो शेष बची 30% किस में है बेटा? फ्रेंच में। तो अगर मैं 30% की फ्रैक्शन बोलूं तो आप बोलोगे सर 30% की जो फ्रैक्शन है वो ती है 3/10। अगर वापिस मैं 30% कम करूं तो बेटा आप बोलोगे सर 10 से कितनी रह जाएगी? 7 रह जाएगी। तो यहाँ पे भी आपकी क्या रही? 10 से 7 रह गई। जाना है बात, जितनी शेष बची वो उस नंबर की हमें मल्टीप्लाई कहाँ करनी है? ऊपर। क्या यही पुस्तकें आपके पास बची? और जो ये पुस्तकें हैं, ये जो पुस्तकें हैं, आपको पता है बाकी पुस्तकें किसमें हैं? 6300 पुस्तकें क्षेत्रीय भाषा में हैं। तो आप बोलोगे सर ये जो सारी की सारी पुस्तकें हैं ये 6300 है जो अब बची। अगर मैं इसको सोल्व करूं तो बड़ी इजीली मेरा आंसर आएगा। देखो, 4 से मैं इसको काटूंगा 2 बार और इसको काटूंगा कितनी बार? 5 बार। यस या नो? और 7 से मैं इसको भाग दूंगा 7 9 63, यानी कि 900, और इधर 25 है तो बी का मान आएगा 900 × 25 आया, 900 × 25, और 900 × 25 आया 25, नहीं 225 होता है, और 225 के आगे कितनी जीरो लगा दो बेटा? 2 जीरो लगा, यानी कि 22,500 टोटल पुस्तकें थी। कितनी पुस्तकें थी टोटल बेटा?
22,500 पुस्तकें थी टोटल हमारे पास। सर जी सपोर्ट टेस्ट गुरु यूट्यूब चैनल काश कुमार यादव, समझ में नहीं आया आप क्या कह रहे हो। गुरु चैनल चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सा क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो और ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखना बेटा। एक विक्रेता के पास कुल सेब का 60% भाग, चलो इसको हम कल करेंगे, क्यों करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा पैटर्न चेंज होगा और जब पैटर्न चेंज होगा तो हमें थोड़ा सा चीज़ों को समझना पड़ेगा। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने वो क्वेश्चन किए थे जिनमें या तो सक्सेसिव इंक्रीज था या सक्सेसिव डिक्रीज था। कौन से क्वेश्चन किए थे जिनमें या तो सक्सेसिव इंक्रीज था या सक्सेसिव डिक्रीज था या दोनों एक साथ थे। जैसे यहाँ पे आप देखोगे सक्सेसिव डिक्रीज, पिछले वाले क्वेश्चन में देखोगे सक्सेसिव डिक्रीज था, जनसंख्या वाले क्वेश्चन में देखोगे सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज था, एक साथ था। ब्लड सेल वाले में देखोगे इंक्रीज और डिक्रीज एक साथ था, ठीक है। वहां पे हम क्वेश्चन को रेशो बना के कर सकते थे और इजीली हमारा आंसर आएगा। लेकिन जहां पर आपसे जो चीजें पूछी है या गिवन है वो सक्सेसिव इंक्रीज से और डिक्रीज से रिलेटेड नहीं है, कहीं बीच में से पूछी गई है, तो वहां से हमें नंबर को लेट करना पड़ेगा। और कल हम इस प्रकार के क्वेश्चन को करेंगे जहां पे हमें नंबर को लेट करना पड़ेगा। याद है आपके एक फल वाला क्वेश्चन आपने लेट किया था, टोकरी में फूल वाला क्वेश्चन आपने लेट किया था, डन है बात। तो कल मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत, सभी को गुड नाइट बेटा। कल मिलते हैं इसी जोश के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, खुश रहिए।